हेलो दोस्तों, माय नेम इज सैफान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए जबरदस्त गाड़ी इंट्रा पिकअप V20 के बारे में, CNG और पेट्रोल के साथ में गाड़ी है। पहले ये इंट्रा पिकअप जो आती थी डीजल में आती थी, टाटा मोटर्स ने आज जो है आपका CNG और पेट्रोल के साथ में निकाला है। देखिए टाटा मोटर्स कस्टमर के कितना डिमांड रखता है समझने के लिए कि पेट्रोल और CNG दोनों कम दिए हैं दोनों साथ में। तो आइए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए टाटा मोटर्स ने ये लोगो बना के दिया है CNG के बारे में। देखिए जिसमें पेट्रोल एंड CNG गाड़ी होगी वो आपका ये वाला लोगो जरूर होगा। आगे से इसका टाटा मोटर्स ने अपना एक लोगो भी लगा के दिया है, वैसे ही आपका इंट्रा पिकअप एंड V20 भी लिख के दिया है दोस्तों। अगर आप एक्स्ट्रा कोई लाइट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लाइट भी लगा सकते हैं। और टाटा मोटर्स ने हॉर्न भी यहाँ पर प्रोवाइड करके दिया है, नंबर प्लेट भी नहीं है, ये दो आपके असेंबल भी करके दिए। वैसे ही दो लाइट है यहाँ, एक लाइट यहाँ लगा सकते हैं, इंडिकेटर भी इसमें बहुत अच्छे करके दिए हैं। और अगर हम इंजन के बारे में इसकी कुछ बात करेंगे तो अगर इंजन है आपका 1190 CC के, इसमें ID इंजन लगा के दिया है दोस्तों। अगर हम इसकी इंजन के पावर में अगर हम बात करते हैं खाली पेट्रोल के बारे में, इंट्रा V20 के बारे में पावर के बारे में बात करते हैं, 43.85 किलोवाट 4000 RPM के साथ में इसका जो है, और 58.8 हॉर्स पावर इसमें इंजन लगा के दिया है टाटा मोटर्स ने। वैसे ही आपका CNG के बारे में बात करते हैं, CNG आपकी अगर CNG के बारे में बात करते हैं हॉर्स पावर के, तो 39.82 किलोवाट 4000 RPM के साथ में। अगर हाउस पावर की उसकी बात करते हैं 53.4 इसकी हाउस पावर है। इंजन के बारे में ये हाउस पावर में आपको बता, अगर हम इसके टॉर्क के बारे में अगर हम बताते हैं कि टॉर्क इसका 108.34 Nm 1800-2000 RPM के साथ में इसका पेट्रोल का टॉर्क है। और अगर हम इसके CNG के बारे में बात करते हैं तो CNG का टॉर्क है आपका 96.46 न्यूटन मीटर 1800-2000 RPM के साथ में। दोस्तों ये था इसका इंजन के बारे में जानकारी। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके व्हील के बारे में। आपका इसमें MRF के व्हील लगा के दिए हैं, और व्हील है आपका 2450 mm का इसमें टायर है दोस्तों। अगर हम इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, तो यह 8 फीट लंबा 5 फीट 3 इंच चौड़ा है इसके अंदर, और एयर फिल्टर इन्होंने यहाँ लगा के दिया। और अगर आप गैस की टैंक की बात करते हैं इसका, तो ये 7.5 kg का इसमें सिलेंडर लगा के दिए हैं, तो इसके 14.5 किलो इसमें गैस आएगी। और अगर फ्यूल टैंक की इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके 5 लीटर के इसके अंदर फ्यूल टैंक लगा के दिया है पेट्रोल का। इन्होंने भी ये स्टपनी लगा के दी है, और इन्होंने ये यहाँ पर भी इंट्रा V20 का आपका लोगो भी लगा के दिया है, पिकअप का CNG का लोगो इन्होंने लगा के दिया है। स्टपनी ये है आपकी। अगर टायर की हम साइज की बात करेंगे इसका 165R140 LL का इसमें टायर लगा के दिया है। इसका डाला अपने हिसाब से लोग बहुत छोटा और बढ़िया इन्होंने लगा के दिया पहले से जानदार। अगर फ्यूल टैंक्स आपको यहाँ से 5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है, और आपके CNG जो पड़ेगी वो यहाँ से पड़ेगी। आपकी ये पिन निकालेंगे, यहाँ से आपकी CNG पड़ेगी। इसका वैसे ही मीटर ये है जैसे जैसी CNG होगी, और ये CNG कम से कम 200 बार पे पड़ना चाहिए, जिसमें जहाँ पर पेट्रोल पंप पे CNG पंप पे 200 बार होगा वही आपका जो है गैस बहुत अच्छी फिलिंग होगी। आइए हम इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। इसकी बैटरी 55 एम्पीयर की इन्होंने बैटरी लगा के दी है, बैटरी लगा के दी है, और एक्साइड की वाइपर की बोतल इन्होंने ये लगा के दी है, आपकी कूलेंट की आपकी ये है CNG। इसका आपका गेट पे भी आपका टाटा का मोनो लगा के दिया, आपको बोतल भी यहाँ रख सकते हैं वैसे ही आपके CNG चलाने का। वैसे ही फ्यूज बॉक्स के बारे में बात करते हैं, फ्यूज बॉक्स आपके इसमें रिलो का ये सिस्टम लगा के दिया, फ्यूज बॉक्स का ये दिया। अगर लैपटॉप हमारा लगेगा तो वो ये इस कनेक्टर में लगेगा, ठीक है। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो है गाड़ी आपकी पावर स्टेयरिंग लगा के दिया है टाटा मोटर। इसका आपका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है, और आपका
यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। ये आपका 5 गियर है और एक रिवर्स है। यूएसबी केबल आपको टाटा मोटर्स ने लगा के दिया है, यूएसबी केबल, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, आदमी स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, और इन्होंने ये भी चेंज करके दिया है लाइट का। मीटर प्लेट की अगर हम बात करते हैं, टाटा ने अपनी मीटर प्लेट इसमें लगा के दी है। इसके अंदर देखिए टाटा का एक लोबो भी लगा है बना हुआ, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, और आपका टाटा मोटर्स, आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर फंक्शन क्या क्या है। सबसे ऊपर की बात करते हैं कि इसके अंदर गैस के जो है संबल वो आते हैं 1.123, ऐसे ही इसके अंदर संबल है। वैसे ही इसके नीचे आपका पेट्रोल के हैं, और नीचे आपका जो आ रहा है वो आपका गर्म ठंडे का है। जैसे मान लो कोई गाड़ी गर्म हो रही है तो उसका, ये आपका किलोमीटर का आ रहा है। गैस का सर ये है, और अगर आपको जैसे पेट्रोल पर गाड़ी करना है तो आपको इस बटन को आपको दबाना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक पेट्रोल की हो जाएगी गाड़ी। गाड़ी हमारी पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, देखिए पावर स्टीयरिंग कहीं पर खड़ोगे आराम से काट सकते हैं गाड़ी को। असेंबली ये आपके आ गई, हेडलाइट है आपकी, इससे जलेंगी। जैसे आपका ये 0-0 दिखाई दे रहा है, जैसे आपके रनिंग पे चलेगा तो ये आपका 1-2-3 आगे किलोमीटर आपको बताएगा। दोस्तों अगर बात बताएं, अगर हम गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाड़ी हमारी ऐसी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक क्लच नहीं दबेगा जब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सीएनजी में। एक्सीलेटर पैडल भी इन्होंने पहले से बहुत चेंज करके दिया है, और आपका जो है ब्रेक, एयर ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छे करके लगा के दिए। आपको जैसे लाइटों को सेट करना है तो आपको नया असेंबली ये स्विच लगा के दिया है, आपको हेडलाइटें बैठे बैठे आपको सेट कर लेंगे। दोस्तों आज हम बताते हैं इसकी वारंटी के बारे में। दोस्तों इसकी वारंटी आपकी 2 साल 72,000 किलोमीटर की वारंटी है। अगर कीमत की हम अगर बात करते हैं तो 8,15,000 रुपये की इसकी विद शोरूम इसकी कीमत है, और हर स्टेट में अलग अलग इसकी कीमत होती है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको इंजन नीचे से ही दिखाता हूँ, जो आपको शायद दोस्तों इसी कलर में दो कलर आए हैं, एक ये और एक वाइट कलर आया है। दो कलर दिए हैं आपका इंट्रा पिकअप V20 के अंदर। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए। मैं आपको नए से नए वीडियो बना के दूंगा, और इलेक्ट्रिकल बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं। अब लगातार अपने चैनल को आपसे ज़रूर जुड़े रहूँगा, और मेरे चैनल में जो भी कोई कमी है आप फॉरन डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजिए। नमस्कार, जय हिंद।